हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। लियो ने कल शानदार 8 दिन कंप्लीट करके आज 9वें दिन में सॉलिड एंट्री मार ली है और भाई साहब इस मूवी को रोकने वाला अब कोई पैदा नहीं हुआ है। भाई को जितनी इसका पोटेंशियल है, जितना इसको कमाई करनी है, ये फुल कमाई करके जा रही है और ज़बरदस्त कमाई करके जा रही है। रोज रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ना कि क्रिएट कर रही है, ब्रेक भी कर रही है और ज़बरदस्त तरीके से नया रिकॉर्ड सेट भी कर रही है, न्यू हिस्ट्री न्यू क्रिएट कर रही है। भाई साहब ऑसम है, मूवी की ग्रोथ सॉलिड चल रही है। तो अभी बात करेंगे अभी तक इस मूवी ने कितनी कमाई कर ली है और कितनी कमाई करने वाली है, आज का दिन कैसी ग्रोथ चल रही है, कल का दिन कैसा रहा, परसों कैसी कमाई करी, सब जानेंगे बस एक एक करके। तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लेकिन उससे पहले आपको बताऊंगा, मूवी को कंप्लीट कराया है लगभग 300 करोड़ के भारी भरकम बजट में, जो इन्होंने रिकवर कर लिया है। स्टार कास्ट इज अमेजिंग, मेन लीड पर थालापति विजय आपको देखने को मिलेंगे और क्या वर्सटैलिटी और जो जबरदस्त एक्शन इस मूवी में देखने को मिलेगा सॉलिड है। स्टार कास्ट इज अमेजिंग, विलेन के रूप में दो बंदे ने फाड़ के रख दिया और सीरियल किलर वाला जो कैरेक्टर था उसने तो अलग ही आग लगाई है। साथ में कैमियो जार ऑसम, सब कुछ मिलाकर लोकेश कनगराज ने जो ये सर्कस तैयार करा है, जिसके ये चाबुक मास्टर हैं मींस डायरेक्टर, इन्होंने जो सॉलिड तरीके से अपनी विजन के साथ इस मूवी को बैठाया है, ऑसम सॉलिड कंटेंट। तो बात करते हैं मूवी पहले 3 दिन में कितनी कमाई कर चुकी थी। पहले 3 दिन में इस मूवी ने पूरी दुनिया से 290 करोड़ कंप्लीट कर लिए थे और चौथे और पांचवें दिन में सॉलिड कमाई करते करते ये मूवी 6वें दिन में सिर्फ तमिल से 26 करोड़ 50 लाख की कमाई करी थी और टोटल नेट इंडियन कलेक्शन उस दिन मतलब 6ठे दिन में इस मूवी का रहा था 32 करोड़ 70 लाख और पूरी दुनिया से ये मूवी 6ठे दिन तक आते आते 458 करोड़ के मार्वलस आंकड़े को अपने खाते में रख चुकी थी। बट जिसमें से ओवरसीज से 165 करोड़ आ चुका था और टोटल नेट इंडियन कलेक्शन ये मूवी 250 करोड़ कंप्लीट कर चुकी थी। बात करें 7वें दिन की, तो 7वें दिन भी ऑसम कमाई करी है, सॉलिड ग्रोथ हुई है इस मूवी की। तमिल से 10 करोड़ 83 लाख, तेलुगु से 2 करोड़ 6 लाख, कन्नड़ा से 10 लाख, हिंदी लैंग्वेज में 1 करोड़ 58 लाख और टोटल नेट इंडियन कलेक्शन 14 करोड़ 47 लाख का करा है 7वें दिन में, यानी फर्स्ट वीक में अपना कंप्लीट करते करते ये मूवी कितना कलेक्शन कर चुकी थी पूरी दुनिया से। लेकिन उससे पहले बताऊंगा कि सिंगल डे 7 में ये मूवी ग्रॉस कलेक्शन 19 करोड़ कर चुकी थी, ओवरसीज से 5 करोड़ और पूरी दुनिया से 24 करोड़। पहले 7 दिन मतलब फर्स्ट वीक कंप्लीट करा, एंड ऑफ द डे तक इस मूवी ने 213 करोड़ 83 लाख और टोटल नेट इंडियन कलेक्शन ये हो चुका था 263 करोड़। ग्रॉस कलेक्शन 362 करोड़, ओवरसीज से 170 करोड़ और पूरी दुनिया से ये मूवी एंड ऑफ द फर्स्ट वीक में 482 करोड़ का मार्वलस आंकड़ा अपने खाते में रख चुकी थी। साथ में नेटफ्लिक्स पर भी ये मूवी अब रिलीज कर दी जाएगी, मतलब हिंदी वर्जन, हिंदी डब्ड वर्जन 21 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर ज़बरदस्त तरीके से रिलीज कर दिया जाएगा। तो जो लोग अभी तक इस मूवी को नहीं देख पाए तो 21 नवंबर का आप वेट करिए और ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी ज़बरदस्त तरीके से। और आपको बताऊंगा कि इसने अपने OTT राइट कितने में बेचा है हिंदी डब के लिए, 125 करोड़ के। भाई साहब ह्यूज कलेक्शन है। अगर ये लोग थिएटर में रिलीज करते तो शायद अच्छे खासे प्रमोशन और अच्छे खासे हाइप के साथ तो मे बी ये मूवी 200 करोड़ तो टच कर जाती, 150 करोड़ भी इजीली टच कर जाती। लेकिन देखा जाए तो ये डील भी कोई घाटे का सौदा नहीं है। तो भैया 21 नवंबर याद रखना, इस दिन मूवी लियो हिंदी डब में आ जाएगी नेटफ्लिक्स पर। बात करें कल्याणी डेट कैसा रहा, तो कल प्रॉपर वर्किंग डे था जिसका हेटर्स को बहुत इंतजार था। प्रॉपर वर्किंग डेज के बहुत इंतजार थे क्योंकि आज भी अभी भी मूवी को लगातार हेट मिल रहा है, लगातार ट्रॉल किया जा रहा है, लियो डिसास्टर, लियो स्कैम, लियो फेक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। तो फेक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में चलो एक बार के लिए मैं भी कहूँगा, क्योंकि पोस्टर ऐसे ऐसे रिलीज कर जा रहे हैं मेकर्स की तरफ से, नहीं है फैन मेड पोस्टर्स हैं। 560 करोड़ ये मूवी कल एंड ऑफ द डे तक कमा चुकी थी, बट ऐसा एक्चुअल आंकड़ा नहीं है। कल एंड ऑफ द डे तक ये मूवी 503 करोड़ के आंकड़े को अपने खाते में रखा था बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट अगर हम माने तो। तो कल अगर मैं आपको बताऊं, तमिल से 10 करोड़ कमाते नजर आई, तेलुगु से 1 करोड़, कन्नड़ा प्लस हिंदी 1 करोड़। कल नेट इंडियन कलेक्शन हुआ था 12 करोड़ का, ग्रॉस रहा 16 करोड़, ओवरसीज से लगभग 5 करोड़ कल भी आते नजर आया है। तो पूरी दुनिया से मूवी कल भी 20 करोड़ के आंकड़े को अपने खाते में रखते नजर आई है। इसी के साथ अगर मैं बताऊं
तो तमिल से कल एंड ऑफ द डे तक ये मूवी 223 करोड़ कमा चुकी थी। टोटल नेट इंडियन कलेक्शन चारों लैंग्वेज को मिलाकर 275 करोड़, ग्रॉस वहीं 328 करोड़, ओवरसीज से 175 और पूरी दुनिया से ये मूवी कल एंड ऑफ द डे तक 503 करोड़ के मार्वलस आंकड़े को अपने खाते में रख चुकी थी। तो पोस्टर सभी भी रिलीज करे जा रहे हैं, फैन मेड हैं, ऑफिशियल तो नहीं हो सकता क्योंकि ऑफिशियल इतना ज़्यादा फासला तो नहीं देखने को मिल सकता। 2-3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ का अंतर देखने को मिलता है ऑफिशियल मेकर्स की तरफ से और जो बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट होती है उसकी तरफ से, बट इतना ज़्यादा डिफरेंस 60 करोड़ का डिफरेंस तो बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। तो बात करें आज यानी फ्राइडे यानी आज 9th डे कैसी ग्रोथ चल रही, तो आज भी है तो प्रॉपर वर्किंग डे लेकिन आज एडवांटेज कहाँ मिलेगा, इवनिंग और नाइट के सोच में, क्योंकि कल वीकेंड स्टार्ट हो जाएगा, कल हॉलीडे लग जाएगा सैटरडे और संडे का, दैट्स वाई कि मूवी को आज नाइट से ग्रोथ अच्छी खासी मिल जाएगी। तो आज थोड़ा सा उछाल मारते नजर आ रही है, बुकिंग अभी तक 3.5 करोड़ की हो चुकी है और तमिल हिंदी सारी लैंग्वेज को मिलाकर ये मूवी 10 करोड़ कमाते नजर आ रही है। आज ग्रॉस कलेक्शन आज ये मूवी लगभग 14 करोड़ कर रही है ओवरसीज से, आज भी 4-5 करोड़ के आंकड़े का आंकड़ा ये मूवी अपने नाम कर रही है और पूरी दुनिया से ये मूवी आज लगभग में लगभग 18-19 करोड़ के खाते में एंट्री मार लेगी। तो अब टोटल पहले 9 दिन में नेट इंडियन कलेक्शन कितना हो जाएगा, 285 करोड़, ग्रॉस कलेक्शन हो जाएगा आज एंड ऑफ तक 342 करोड़, ओवरसीज से हो जाएगा 180 करोड़ और पूरी दुनिया से ये मूवी आज एंड ऑफ द डे तक 522 करोड़ के मार्वलस आंकड़े को अपने खाते में रख लेगी। तो भाई साहब दिस इज ऑसम, क्योंकि मूवी सॉलिड ग्रोथ कर रही है और जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि यस ये मूवी 500 करोड़ टच कर जाएगी, बट ऐसी उम्मीद नहीं लगाई जा रही थी कि इतनी फास्टली कंप्लीट कर जाएगी। आज डे 9 है और डे 9 में ये 500 करोड़ सिर्फ टच नहीं करे हैं, ऊपर निकल चुकी है और 520 करोड़ के आंकड़े को आज ये अपने खाते में रख लेगी। तो भाई मूवी सॉलिड ग्रोथ कर रही है। हाँ, लाइफ टाइम कलेक्शन अब ये मूवी कितना कर सकती है, क्या प्रेडिक्शन हो सकती है यहाँ से, मैं अभी भी मान के चल रहा हूँ ये मूवी इजीली 650-700 करोड़ टच कर जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में अब और भी ज़्यादा कॉम्पिटिशन मिलने वाला है। इस समय भी कॉम्पिटिशन चल रहा है, भगवंत केसरी मूवी अलग चल रही है, टाइगर नागेश्वर राव रवि तेजा की वो मूवी अलग चल रही है, नॉर्थ बेल्ट में हिंदी बेल्ट में और भी मूवी चल रही है, लेकिन यह है कि नॉर्थ बेल्ट की मूवीज इतना खास रेस्पॉन्स मिल नहीं रहा है उनको। अभी जो मूवी चल रही है सबकी एवरेज टू बिलो एवरेज ग्रोथ आ रही है। तो भाई साहब मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।